नमस्कार, स्वागत है आपका इन बिजनेस न्यूज पर। आज के टॉप 10 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। महाराष्ट्र में किसानों के मुद्दे पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है और कहा है कि बेमौसम बारिश के हुए नुकसान का किसानों का मुआवजा नहीं मिला है। राजस्व मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल सरकारी गेस्ट हाउस में दो व्यक्तियों द्वारा किए गए हल्दी हमले का निशाना बने हैं। उनके सहयोगी और सुरक्षा कर्मी भी इसकी चपेट में आ गए। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को खारिज करते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि पूरे देश में गुस्सा भड़काना ठीक नहीं है और कोई भी उनके बयान से सहमत नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। पटोले ने महाराष्ट्र में मणिपुर प्रयोग को दोहराने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के आश्वासन के बाद पंकजा मुंडे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बयान देकर मराठा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। भारत में G20 समिट का शनिवार का पीएम मोदी के संबोधन के दौरान उद्घाटन हो गया। सनी देओल के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जवान का तूफान भी गदर 2 को नहीं रोक पाया है। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। गदर 2 ने बाहुबली को मात देकर नंबर 2 की कुर्सी पर अपनी पकड़ बना ली है। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर गदर काट दिया। 7 सितंबर को जवान ने ओपनिंग डे और जन्माष्टमी की छुट्टी की वजह से सबसे ज्यादा कमाई की है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बादशाह की पकड़ दूसरे दिन भी जारी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को आपराधिक जांच विभाग यानी सीआईडी ने नंदियाला में गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रबाबू नायडू पर भ्रष्टाचार के आरोप है और कहा जा रहा है कि नायडू के बेटे लोकेश नारा को भी हिरासत में लिया गया है। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए बिजनेस न्यूज़। नमस्कार।